हेलो क्लास 7 बेटा, चैप्टर नंबर 11 मल्टीप्लिकेशन इन प्लांट्स। टुडे वी आर स्टार्टिंग और पार्ट 1 की इस वीडियो में हम स्टार्टिंग के 2 पेज की रीडिंग करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, हर एक पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कम्स ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दैट दे गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ दियर ओन काइंड। एक फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती हैं, जितनी भी जीवित वस्तुएं होती हैं, तो उनका एक विशेष फीचर है, क्वालिटी है कि वो अपने जैसे ही एक काइंड को जन्म देती हैं, एक बेबी को जन्म देती हैं। व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इफ़ न्यू जनरेशन ऑफ स्पीसीज वर नॉट प्रोड्यूस फ्रॉम दियर पेरेंट्स। क्या होगा कि अगर उनके पेरेंट्स के द्वारा नई स्पीसीज का जनरेशन, न्यू जनरेशन नहीं बने, है ना, पैदा ना हो। द अर्थ वुड टर्न आउट टू बी ए बैरन प्लेस विद नो लाइफ। तो ये जो धरती है, जमीन है, अर्थ है, पृथ्वी, तो क्या हो जाएगी, ये बैरन यानी बंजर हो जाएगी, एक बंजर जगह हो जाएगी जिस पे कोई भी जीवन नहीं होगा। सिंस द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज लिमिटेड, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन लिमिटेड होता है, जीवन चक्र उसका यानी एक निश्चित आयु तक वे जीते हैं। दे हैव डेविस्ड वेज एंड मीन्स टू मल्टीप्लाई दियर नंबर्स, और वो अपने जो संख्या है उनको बढ़ाते हैं। दिस एबिलिटी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स, और ये जो एबिलिटी है, ये जो योग्यता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि वो अपने जैसे ही एक किसी काइंड को, बेबी को जन्म देते हैं, उसको हम कहते हैं इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कहलाता है। However, reproduction is not essential for an organism survival. जबकि ये मान सकते हैं कि reproduction essential नहीं है, ज़रूरी नहीं है किसी भी organism की survival के लिए, जीने के लिए। But it ensure that, लेकिन ये ensure करता है कि organism leaves behind, अपने पीछे ये ऐसे organism छोड़ जाता है जो उसके जैसे होते हैं, individuals of its own kind, ठीक है, so that द स्पीसीज डू नॉट पेरिश फ्रॉम अर्थ। इसलिए जो स्पीसीज हैं इस धरती पर ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने जैसे ही प्राणी जो हैं पैदा कर देते हैं, ठीक है। हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, वी विल डील दिस एस्पेक्ट इन द फॉलोइंग सेक्शन। हम इस सेक्शन में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ जो अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे पार्क में, स्कूल गार्डन में, एंड इन आवर नेबरहुड, और हमारे पड़ोस में। मैनी ऑफ दीज प्लांट्स बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट, अधिकतर जो प्लांट हैं उन पर क्या होते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं। सच प्लांट्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट, उनके बॉडी के टू पार्ट्स होते हैं उन प्लांट के, कौन सा होता है, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, कौन उस पर क्या होता है। दीज आर कंसर्नड विद न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ, इनको हम कंसर्न कर सकते हैं न्यूट्रिशन और ग्रोथ से। दे कॉम्प्राइज ऑफ द रूट्स स्टेम एंड लीव्स, तो उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, रूट्स स्टेम और लीव्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, दिस इज एसेंशियली कंसर्नड विद रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, ये प्लांट के रिप्रोडक्शन पार्ट को क्या करता है, दिखाता है, शो करता है। इट कंप्राइजेज ऑफ द फ्लावर, इस पर फ्लावर होते हैं। ए प्लांट मे हैव बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट बॉर्न ऑन द सेम फ्लावर और दे मे बी बॉर्न बाय डिफरेंट फ्लावर, क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट वो होता है जिस पर अधिकतर प्लांट्स के क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उसी में उनका मेल और फीमेल पार्ट होता है, वो सेम फ्लावर पर भी हो सकता है और वो डिफरेंट फ्लावर पर भी हो सकता है, तो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हैं, किस किस तरह का होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप होते हैं, देर आर टू बेसिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एसेक्सुअल प्लांट की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको शो कर देता हूँ कि यहाँ पर एक हमें पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दिया गया है। रूट सिस्टम जो ग्राउंड के अंदर होता है, शूट सिस्टम जो ग्राउंड से ऊपर होता है, और शूट सिस्टम में हमारी लीव्स होती हैं, है ना, बर्ड्स होती हैं, स्टेम होता है, फ्रूट होता है, फ्लोरल बर्ड होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। और रूट सिस्टम में आपको दिखाया गया रूट्स होती हैं,
अलग अलग तरह की। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं इसके बारे में। तो कम्स ऑन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन बाय ए सिंगल पेरेंट विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स सेल्स और गैमेट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो रिप्रोडक्शन होता है सिंगल पेरेंट से विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सेक्स सेल्स, तो सेक्स सेल्स का क्या होता है यानी गैमेट्स का क्या होता है, प्रोडक्शन नहीं होता, उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देयर इज नो सीड फॉर्मेशन, और इस तरह के रिप्रोडक्शन में कोई भी सीड यानी बीज नहीं बनता है। इट इज़ फास्टर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ये एक क्या है, तेज़ी से उत्पन्न होने वाला तरीका है, ग्रोथ का तरीका है। ठीक है, द न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, जो एक नया पौधा बनता है वो अपने पूर्वज यानी पेरेंट्स की तरह ही होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया एल्गी एंड फंगी। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये किसकी क्वालिटी होती है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता होती है, बैक्टीरिया एल्गी और फंगी। अमंग द हायर प्लांट ग्रुप्स लाइक शुगर केन रोज पोटैटो एंड जिंजर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय दियर वेजिटेटिव पार्ट। तो कुछ हायर प्लांट्स ग्रुप के प्लांट्स हैं जैसे आप शुगर केन गन्ना मान सकते हैं, रोज़ पोटैटो जिंजर, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं इनके जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नाउ कम्स ऑन द मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट। तो यहाँ पर बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो फोर टाइप के होते हैं, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आज हम बात करते हैं बडिंग और फ्रेगमेंटेशन की। तो बडिंग और फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं बडिंग पर, तो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको एक बेटा पिक्चर दिखाई गई है कि यीस्ट में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल। तो चलिए बडिंग पढ़ते हैं। बडिंग, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन यीस्ट। इस तरह का एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है यीस्ट में, ए फंगस। यीस्ट क्या होता है, एक फंगस होती है, दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर, जो एक कोशिका यानी एक सेल से बनी होती है और माइक्रोस्कोपिक होती है, बहुत सूक्ष्म होती है, माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इट टेक प्लेस अंडर नॉर्मल कंडीशन, ये नॉर्मल कंडीशन होता है, व्हेन यीस्ट सेल ग्रोज, तो जिस तरह से यीस्ट की सेल ग्रो करती है शुगर सॉल्यूशन में। ठीक है, ईच सेल प्रोड्यूसेस वन और मोर टिनी आउट ग्रोथ्स कॉल्ड बड्स। तो उसमें से अनेक सेल, ईच सेल में से अलग अलग तरह की मोटी निट्टी नहीं बने, बहुत बारीक आउटग्रोथ सेल्स बनती हैं जिनको हम बड बोलते हैं, विच इंक्रीजेज इन साइज, साइज में बड़ी होती चली जाती हैं। द न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है एंड वन ऑफ देम पासेज ऑन टू ईच बड, और हर एक जो डिवाइड हुई बड थी उसमें पास होता चला जाता है हर एक में। दीज बर्ड्स अल्टीमेटली कट ऑफ, तो ये जो बर्ड्स होती हैं अल्टीमेटली कट ऑफ फ्रॉम द पेरेंट सेल, पेरेंट सेल से कट ली जाती हैं, काट दी जाती हैं, एंड आर रिलीज एज एन इंडिपेंडेंट, और ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र सेल बन जाती हैं, आइडेंटिकल कॉपी ऑफ पेरेंट, जिस तरह की पेरेंट्स थे सेल, पेरेंट सेल होती है उसी तरह की ये खुद की इंडिविजुअल सेल बन जाती हैं। बडिंग में भी रिपीटेड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर चेंस ऑफ बीड लाइक सेल। तो बडिंग रिपीट होती रहती है जिस तरह से रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन, किस तरह से, किस वजह से, रिजल्टिंग जो फॉर्मेशन हो रही है एक से एक या एक से ज़्यादा चेंस बन रही हैं बीड लाइक सेल्स। तो एक सेल से कई सारी सेल्स बाद में बनती हैं, फिर कट हो जाती हैं, फिर उनसे फिर निकलती हैं, फिर कट हो जाती हैं, यानी इंडिविजुअल में बनती चली जाती हैं, तो ये इस तरह से ग्रोथ होती चली जाती है। ठीक है, और यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको दे रखी है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं हम फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन होता है स्पायरो गायरा में। यहाँ पर आपको एक पिक्चर के द्वारा बेटा दिखाया गया, इस पिक्चर को थोड़ा मैं और जूम कर देता हूँ आपके लिए, देखिए स्पायरो गायरा में। तो ये एक सिंगल पेरेंट सेल थी, ठीक है, ये एक सिंगल पेरेंट सेल है, इससे ये दो सेल बन जाती हैं। किस तरह से बनती हैं चलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ जाते हैं फ्रेगमेंटेशन पर। स्पायरोगायरा क्या होता है, विच इज़ ए फिलामेंटस, फिलामेंटस यानी एक पतला जैसे एक धागा होता है, इस तरह का फिलामेंट टाइप का ग्रीन एल्गी होता है। प्रोड्यूसेस रैपिडली, ये बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस होता है, बाय द
this asexual mode of reproduction on availability of nutrients in water. वाटर में जो उसको न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं उसके कारण उसका जो एसेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन है बहुत तेज़ी से होता है. हेयर द फिलामेंट ब्रेक्स अप इनटू ए नंबर ऑफ शॉर्ट सेगमेंट. जो एक एक फिलामेंट होता है, एक जो सेल होती है, ठीक है, वो क्या होती है, अलग अलग पार्ट में बहुत सारे नंबर्स में शॉर्ट जो छोटे छोटे पार्ट हैं सेगमेंट में टूट जाती है. ड्यू टू फोर्स ऑफ वाटर, वाटर की फोर्स के कारण, है ना, क्या होता है, वाटर करंट और फ्रिक्शन. जो वाटर का जो फ्रिक्शन होता है, करंट होता है, उसकी लहरों के द्वारा क्या होता है, वाटर के लहरों के द्वारा ये फोर्स लगता है उस पर. एक ईच सेगमेंट देन डेवलप्स, तो हर एक जो सेगमेंट है वो डेवलप हो जाता है इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है. एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यूस, और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है. यू माइट हैव नोटिस्ड सच ग्रीन एल्गी कवरिंग डिटेच्ड और पॉन्ड्स एज स्लीमी ग्रीन स्कम ओवर लार्ज एरिया. और ये आपने कभी कभी नोटिस भी किया होगा, जैसे आप तालाब के किनारे या नदी के किनारे जाते हैं, वहाँ पे आपको ग्रीन कलर की एक लेयर सी दिखाई देती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, स्पायरोगायरा होता है, ठीक है. तो ये मैंने आज आपको बेटा फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के बारे में पढ़ा दिया है, 2 पेज के मैंने रीडिंग कर लिए. इससे आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा. कोई प्रॉब्लम होती है बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे. आई सजेस्ट यू कि इस वीडियो को 3-4 टाइम जरूर देखिएगा. तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू.